लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। पूर्व मंत्री विधायक गणेश नाइक ने आज महानगर पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर से मुलाकात में जन समस्याओं के तत्काल समाधान पर जोर दिया। चर्चा के दौरान टीकाकरण से वंचित लोगों को कोरोना वैक्सीन दिलाने, सामान्य लोगों के लिए जनरल अस्पतालों में सैनिटाइज कराकर कोरोना मुक्त करने और तीसरी लहर की संभावनाओं के बीच जरूरी आरोग्य सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया। लोकनेता गणेश नाइक ने कहा कि MIDC में दलालों का वर्चस्व है, जिनसे मिलकर अधिकारी सर्विस रोड और यूटिलिटी भूखंडों की बिक्री करने में जुटे हैं। उन्होंने नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे और कुछ नगर सेवकों पर हमला बोलते हुए कहा कि कुछ लोग नई मुंबई शहर की व्यवस्था को बिगाड़ना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे और जरूरत पड़ी तो तीव्र आंदोलन भी करेंगे। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री गणेश नाइक ने आज मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर से अपनी साप्ताहिक मुलाकात में जन समस्याओं के तत्काल समाधान पर जोर दिया। चर्चा के दौरान उन्होंने कोरोना टीकाकरण से वंचित लोगों को वैक्सीनेशन दिलाने, जनरल अस्पतालों को सैनिटाइज कराकर कोरोना मुक्त करने और तीसरी लहर की संभावनाओं के बीच जरूरी आरोग्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग दोहराई। पूर्व मंत्री ने MIDC में चल रहे दलालों के वर्चस्व और यूटिलिटी भूखंडों के आवंटन की मनमानी पर खुला एतराज जताया। उन्होंने एकनाथ शिंदे का नाम लिए बिना कहा कि नगर विकास मंत्री और कुछ नगर सेवक नई मुंबई की व्यवस्थाओं को बिगाड़ना और बर्बाद करना चाहते हैं। अधिकारियों को धमकाया जा रहा है, इसलिए ऐसे लोगों की जांच पड़ताल होनी चाहिए। गणेश नाइक ने आरोग्य इंतजामों को मजबूत बनाने पर जोर देते हुए कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो जनहित के लिए सरकार और प्रशासन को जगाने तीव्र आंदोलन छेड़ेंगे। एवरेज 3 रुग्णांचा दररोज मृत्यू होतो, तर सर्वसाधारण बाधा झालेले रुग्ण ते ऑक्सिजनवर का जातात, ऑक्सिजनचे व्हेंटिलेटरवर का जातात, याची कारणं शोधायची गरज आहे। आणि मी माननीय आयुक्तांना एक सांगितलेलं की अवेअरनेस तयार करा। आम्ही असं म्हटलेलं आहे की सदन लोक ती लस घेतीलच, परंतु कमीत कमी आपल्यापैकी पिवळा रेशन कार्ड धारक असलेल्या लोकांना, जे झोपपट्टीतले गावातले शहरातल्या इलाजित ठिकाणी राहतात, अशा लोकांना महानगरपालिकेच्या माध्यमातून म्हणजे त्याचे पैसे महापालिकेने भरावे, अशा प्रकारची सूचना आम्ही गेल्या सातत्यानं ह्या वेळेला आम्ही जरा ते गांभीर्याने घेतले। कोविडच्या येणाऱ्या येऊ घातलेल्या तिसऱ्या लाटेच्या संदर्भात पुन्हा आज त्यांना स्मरण करून दिलं की साध्या कॉट्स, ऑक्सिजनच्या कॉट्स, व्हेंटिलेटरच्या कॉट्स, औषधाचा साठा, डॉक्टर्स, नर्सेस, वॉर्डबॉय यांची उपलब्धता आणि पाऊस पडत असताना ज्याला आपण एक प्रकारचे म्हणजे फंगस स्वरूपाचं वातावरण तयार होतं, आणि म्हणून ज्या ज्या ठिकाणी आपल्याला रुग्णांचा परिसर त्या ठिकाणी आपण निर्माण आपण केलेला आहे, त्या ठिकाणी फवारण्या वगैरे करून संपूर्ण यंत्रणा सॅनिटाईज करून ठेवावी, अशा प्रकारे सूचना केलेली आहे। लोकप्रतिनिधीच्या मुखोट्याखाली काही लोक अधिकारी सज्जन अधिकाऱ्यांनासुद्धा दाबण्याचा काही प्रयत्न होतो, आणि मी ऐकताना सांगितलं असे अधिकाऱ्यांना त्रास देणारे कोण घटक आहेत, त्या अधिकाऱ्यांना निर्भय तुम्ही करा, त्याला संरक्षण द्या तुम्ही, आणि जर तुमच्या नसेल तर आम्हाला सांगा, आम्ही जी प्रशासनाच्या अनुषंगाने राज्य सरकारच्या यंत्रणा आहेत त्या सगळ्या यंत्रणा वापरू, आम्ही त्या अधिकाऱ्यांना संरक्षित करू, परंतु त्यांनी दबता कामा नाही। MIDC भागामध्ये मोठे रस्ते, सर्व्हिस रोड, या ठिकाणी MIDC मधले वावरणारे काही दलाल, त्यांच्या दलालांच्या मार्फत एक गुंठा योजना जी प्रकल्पग्रस्त लोकांसाठी निर्माण झाली, ते भूखंड सर्व्हिस रोडला लागून काढल्यामुळे भविष्य काळामध्ये शहरातल्या यातायात म्हणजे वाहतुकीला खोळंबा होईल। ब्युरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।